स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। देखिए इस समय हम गौतम बुद्ध लोकसभा के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है ना आज बहन मायावती जो है ना यहाँ जनसभा को संबोधित करने वाली है। अगर बात करें गौतम बुद्ध लोकसभा चुनाव की तो यहाँ से जो बसपा ने इस समय जो ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी है उनको प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए आप देख सकते हैं जो लोगों में यहाँ चुनावी माहौल है वो बहुत ही गजब का है। अब हम बातचीत करेंगे। देखिए कुछ ही देर में मायावती यहाँ आने वाली है जनसभा के, उनकी यहाँ तैयारी पूर्ण हो चुकी है स्टेज पे। आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में वे आएंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले लेकिन हम बातचीत करेंगे लोगों से, क्या है उनके मन में, क्या वो चुनावी प्रक्रिया पर कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दयाराम है। देखिए सबसे पहले बात करें, बहन जी कुछ ही देर में आने वाली है, बहन जी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस समय जो है ना जो प्रत्याशी हैं यहाँ से बसपा के ठाकुर हैं, क्या लगता है? बहुत बढ़िया आदमी है, पहले विधायक रहे, उन्होंने पहले भी काम करे, फिर करेंगे, फिर हम करवाएंगे गेल मिल के। बड़ा प्यार आशीर्वाद मिलता रहा हमें पहले भी रब भी। जो वर्तमान के जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप उनसे? उनसे हम नाराजगी न्यूज जता रहे हैं, उन्होंने कोई काम करा नहीं क्षेत्र में, कभी आकर देखो अपने काला धंधा चला रहे हैं, अपने अस्पताल खोल रखे प्राइवेट, आज तक कभी भी सरकारी अस्पताल की पैरवाई गौतम बुद्ध नगर के लिए करी नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं अपने। उन्हें अब के यहाँ से गौतम बुद्ध नगर सीट से बिल्कुल उनका पत्ता साफ कर देंगे। क्या नाम है आपका? देखिए आपने बहुत सारी राजनीति बढ़ती रहती है, सरकारें आती है जाती है, क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरह से आपको खास लगता है? मायावती का बढ़िया रहेगा, मायावती का शासन बढ़िया। अच्छा आपको क्यों लगता है कि मायावती आएगी? क्यों आनी चाहिए बहन जी फिर से? क्यों आनी चाहिए मायावती फिर से? वो बढ़िया काम करती है गौतम बुद्ध नगर में, बड़ी कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए लड़कियों ने बनाए। अच्छा देखिए वर्तमान में यहाँ बीजेपी के सांसद थे पिछले 10 सालों से, क्या लगता है कितना विकास किया गया? बेकार आदमी है महेश शर्मा, बेकार मुर्दाबाद महेश शर्मा। तो देखिए जो वर्तमान में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है उनके कामों से यहाँ जनता कहीं ना कहीं खुश नहीं लग रही है। अभी हम बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं, जानेंगे। देखिए युवा देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्या आपको लगता है कि आप अगर बात बीजेपी सरकार की करें वर्तमान में 10 सालों से यहाँ पे क्या कार्य आपके लिए किए गए? बहन जी ने हमारे लिए बहुत कार्य किए हैं, हमारे लिए शिक्षा पर भी उन्होंने ध्यान दिया है, और मतलब उन्होंने अस्पताल हॉस्पिटल पे मतलब बहन जी ने काफ़ी कार्य किया है हम बहुजन समाज के लिए, और मैं यही कहना चाहूँगा बहन जी के लिए, बहन कुमारी मायावती सत्ता में आए और कार्य करें। जय भीम जय भारत। तो देखिए और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मायावती जी कुछ देर में आने वाली है, क्या लगता है अगर बीजेपी के शासनकाल की बात करें तो किस तरह के कार्य किए गए हैं बीजेपी के शासनकाल की बात करें? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, और देखो हर पेपर नौकरी का हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है आम, और यहाँ पर देखो यहाँ स्टूडेंट देखे जाए, स्टूडेंट हैं, इन्हें राशन नहीं, नौकरी चाहिए। हाँ। तो देखिए लोग यहाँ काफी नाखुश लग रहे हैं, आप देख सकते हैं मायावती जी को सुनने के लिए यहाँ काफी लोगों में जोश है, और इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो वाकई बहुत ही खास होने वाला है। बीजेपी से जो प्रत्याशी है मौजूदा सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा है, सपा की बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नागर है, और बसपा से ठाकुर राजेंद्र सोलंकी मैदान में। आप देखते हैं किसकी जीत यहाँ होगी। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।